गुड मॉर्निंग बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम जो है फैट स्टार्ट किया था बेटा, फैट स्टार्ट कर रही थी हमने जो है वो फैट दोबारा लेंगे, आगे बची हुई फैट लेंगे जो फैट में मैंने बेटा बताया था आपको कि फैट जो होती है दो चीजों से बनती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट किससे बनती है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है बेटा। फैट जो होती है, जितने भी फैट होते घी है तेल है, ये बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। इन दोनों के बारे में बता चुका था, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर में ये करवाई हुई है कार्बन 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 ओएच ओएच ओएच, थ्री कार्बन से थ्री ओएच जुड़ते थे ग्लिसरॉल में, और यहां हाइड्रोजन लगा देते थे। इसका फॉर्मूला बताने के लिए, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन ग्लिसरॉल का फॉर्मूला कार्बन थ्री वन टू थ्री, ऑक्सीजन थ्री वन टू थ्री, हाइड्रोजन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वो फॉर्मूला जो एटम का नंबर बताया उसको मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये ग्लिसरॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो तीन कार्बन के एटम है, आठ हाइड्रोजन के एटम और तीन ऑक्सीजन के एटम, तो ग्लिसरॉल होता है। मैं करवा चुका हूं बेटा ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड जो फैट में मिले, यही कहा था ना, जो एसिड फैट मिले वो फैटी एसिड। फैटी एसिड दो टाइप में बताए गए मैंने, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बताया था ना, फैटी एसिड क्या होते थे जिसमें एक सीओएच ग्रुप हो और बाकी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन हो। फैटी एसिड में एक सीओएच होता था और एक फैटी एसिड में, बेटा तुमने अगर पीछे का रिवीजन नहीं किया तो गड़बड़ करोगे, जो टॉपिक कराते हो उसी दिन याद करो क्योंकि सारे टॉपिक लिंक है बेटा। तो फैटी एसिड क्या होता है, फैट घी और तेल को बोलते हैं, दो चीज से बनती है घी और तेल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये होता है। और फैटी एसिड उसको बोलते हैं फैट में मिले, फैटी एसिड फैट में मिलता है। फैटी एसिड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन की कमी, फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो सारे कार्बन में तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। ये करवा चुका था मैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, ये करवाया था मैंने। अब बोलोगे फैट भी तो दो टाइप की होती है, फैट की टाइप सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट। तुम बोलोगे कि आपने तो करवाई थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अब करवा रहे हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, तो इनमें क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट में, क्या डिफरेंस है? दोनों में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड आएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट में? अरे भाई फैटी एसिड तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से फैट बनती है, ये फैट बनी फैटी एसिड ग्लिसरॉल से, और उस फैट के अंदर ग्लिसरॉल से सैचुरेटेड फैटी एसिड चुनेंगे तो फैट को सैचुरेटेड फैट बनेगी, ग्लिसरॉल से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चुनेंगे तो फैट को अनसैचुरेटेड फैट बनेगी। तो क्या होती है बताओ सैचुरेटेड फैट, ग्लिसरॉल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड है, तो फैट को सैचुरेटेड फैट बोलेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या, फैट का क्या ग्लिसरॉल प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
फैट, तो फैट बनेगी उसको बोलेंगे ग्लिसरॉल से अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड एसिड जुड़े तो फैट सैचुरेटेड फैट, फैट तो दोनों से बनेंगे, फैटी एसिड का कोई फैट का नाम है, अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड जुड़े तो फैट सैचुरेटेड है, अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड जुड़े ग्लिसरॉल से तो फैट अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड फैट होगी, लेकिन वो फैटी एसिड में सामने कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो फैटी एसिड को बोलेंगे सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और वो फैटी एसिड फैट से जुड़ेगा ग्लिसरॉल से जुड़ेगा तो बोलो सैचुरेटेड फैट, ग्लिसरॉल से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ेंगे तो फैट को बोलो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कराऊंगा, सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट, दैट मीनिंग समझ गया। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड जुड़े कार्बन जिंदगी में सिंगल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो फैटी एसिड सैचुरेटेड बोलेंगे और वो ग्लिसरॉल जो है तो फैट को बोलेंगे सैचुरेटेड फैट, कार्बन कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड में तो फैटी एसिड को बोलोगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ेंगे तो फैट को बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट, क्योंकि फैट इन दोनों से बनती है। इस फैट और फैटी एसिड मैं बता चुका हूं कि एक सीओएच होता है उसमें और लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन की लंबी चेन होती है और एक सीओएच होता है। इन दोनों में डिफरेंस लेना है तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सैचुरेटेड फैट मोस्टली एनिमल के अंदर मिलती है, ये सॉलिड होती है नॉर्मली, ये नॉर्मली सॉलिड होती है, ये नॉर्मली लिक्विड होती है, कैसे याद रखोगे? ये एडिपोज टिश्यू फैट कराएगी ना, ब्राउन फैट व्हाइट फैट वो सैचुरेटेड फैट है, ये हमारे मसल स्किन के नीचे फैट है, पेट के अंदर ये फैट है, ये सैचुरेटेड फैट है एनिमल के अंदर, इसी की फैट के मैंने टाइप करवाएगी तुम्हारे को एनिमल टिश्यू में, ब्राउन फैट व्हाइट फैट। अनसैचुरेटेड फैट प्लांट में मिलती होगी, लिक्विड होगी, तो जितनी भी तेल यूज करते हो, सरसों का तेल सब्जी में डालते हो वो अनसैचुरेटेड फैट है, सरसों का तेल हो सूरजमुखी का तेल हो जितने भी तेल होते हो अनसैचुरेटेड फैट होते, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मिलेंगे, तो लिक्विड होते हैं प्लांट्स, प्लांट में होते हैं प्लांट में लिक्विड होते हैं, क्या हमारे जैसे फैट प्लांट मिलते हैं ना, प्लांट में जो मोस्ट फैट मिलती है मोस्ट मिलती है अनसैचुरेटेड फैट मिलती है प्लांट में मोस्ट मिलती है और वो लिक्विड होती है, तेल तो कोई भी लगा लिक्विड होते हैं, और सैचुरेटेड फैट जो नॉर्मली एनिमल में होती है सॉलिड होती है, व्हेल के अंदर ब्लबर देखो कितनी सॉलिड है, कोई कितनी शीट निकालते हैं उसमें से। चलो और डिफरेंस, इस फैट में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले जगह पे फैटी एसिड मुड़ जाएगा तो बैंड हो गया, बैंड इन फैटी एसिड एक प्रेजेंट, फैटी एसिड प्रेजेंट नो बैंड इन फैटी एसिड, ऐसे मुड़ जाती है डबल बॉन्ड वाली जगह पे, जो जहां डबल बॉन्ड होता है वापस वो जो चेन है हाइड्रोकार्बन की वो मुड़ जाती है, तो मुड़ी हुई फैटी एसिड होते हैं
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड वाली जगह उड़ जाएगी फैटी एसिड, तो इसमें बैंड होता है इस फैटी एसिड में, ये सीधी होती है। तुम बोलोगे जी मीनिंग बताओ सैचुरेटेड तो क्या है अनसैचुरेटेड तो क्या है, वैसे बता दो आपको इसमें डबल बॉन्ड है इसका नाम ये क्यों पड़ा। तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड का मीनिंग समझते क्या होता है, फुल भर जाना, किसी चीज की इच्छा ना रखना, सैचुरेटेड मतलब कुछ ना ले, ये सैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड होती है, रिएक्शन नहीं करती जो। अगर हाइड्रोजन आयन लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेटेड फैट में, अनसैचुरेटेड सेटिस्फाई नहीं है कुछ ले के लिए फैट, डबल बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड वाले पर हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो ये हाइड्रोजनेशन शो करती है, बैंड वाली जगह पर डबल बॉन्ड वाली जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, तो हाइड्रोजनेशन शो करती है, इसलिए अनसैचुरेटेड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से, जो ये हाइड्रोजन ले सकती है ये सेटिस्फाई है, कुछ नहीं लेगी हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं लेगी, क्या लिखू एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लेती है बाय हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजन ले लेती है, नो नो हाइड्रोजन इंटेक नो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन जो होता है क्या कहा बेटा मैंने, हाइड्रोजनेशन का मतलब तो हाइड्रोजन लेना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन दोगे तो ले लेगा वो, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, जब हाइड्रोजन नहीं लेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो तुम बोलो मुझे प्लांट की फैट को एनिमल फैट में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो भाई हाइड्रोजन ले लेगा तो डबल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड तो हाइड्रोजन लेकर खत्म हो जाएगा, तो सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगी, तो अनसैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजन लेके सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर सकते, लिक्विड सॉलिड बन सकती है, कोई एग्जांपल बताओ। तो जो घी होते हैं ना वनस्पति घी डालडा वगैरह वो हाइड्रोजनेशन से बनते हैं, याद रखना है ये, लिख नहीं रहा हूं याद रखना है, वनस्पति घी जो होते हैं घी वगैरह डालडा वगैरह के जो वो तेल से बनते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, तेल को सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं और सैचुरेटेड सॉलिड होती है, अनसैचुरेटेड फैट इसमें लिक्विड है, हाइड्रोजन दिया वो सैचुरेटेड में चेंज हो सैचुरेटेड सॉलिड है, तो इसमें हाइड्रोजनेशन हो सकता है, इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, चलो भाई मान लिया। और कोई डिफरेंस सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में और डिफरेंस, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो वोल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी चीज को गर्म करते हैं सॉलिड चीज को वो पिघल जाए सॉलिड लिक्विड में चले जाए तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मेल्ट होने वाला टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई चीज मेल्ट हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका हाई है इसका लो, क्यों भाई, अरे भाई ये सॉलिड है सॉलिड को ज्यादा गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये पहले से मेल्ट हो रखी है तो ये तो लो टेम्परेचर में मेल्ट होगी, इसको हाई टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट होगा, हाई टेम्परेचर की क्वार्टर रिलेशनशिप बोलोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड फैट घर में घी नहीं होता क्या हमारे यार डालडा वगैरह जो उसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड नहीं बन जाता क्या, तो गर्म करने के बाद टेम्परेचर ज्यादा दिया ना इस टेम्परेचर को तो मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर हो गए तो ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड पहले लिक्विड है उसको मेल्ट करने जो भी नहीं वो तो लो टेम्परेचर में मेल्ट होगी, तो जिस टेम्परेचर को जिस मेल्ट हो जाए उसमें मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका हाई होता है इसका लो होता है। तुम बोलो जी कौन सी खानी चाहिए वो बताओ, कौन सी फैट हमारे खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए, तो इसको नहीं खाओ इसको खाओ, तो यू लिख दो ये बेनिफिशियल नहीं है सैचुरेटेड फैट, नॉट बेनिफिशियल, ये फायदे के लिए ये बेनिफिशियल बेनिफिशियल, तो तुम्हारे को
अनसैचुरेटेड फैट खाने, तुम तो बच्चे हो जाओ, तुम तो कुछ भी खाओ, मेटाबॉलिज्म तुम्हारा इतना तेज है सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे को स्टोर नहीं होगा चीजें, बहुत तेज रिएक्शन करते हैं लोगों को, हमारे जैसे वो ये खानी चाहिए अनसैचुरेटेड फैट खानी चाहिए, वो भी पोली अनसैचुरेटेड फैट खानी चाहिए, तो फैटी जिसमें डाउनलोड बहुत हो ये खानी चाहिए हमारे, इससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो ये खाएंगे तो ये फैट कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल चेंज नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल शरीर का नुकसान कर दिया, फायदा भी करता है कोलेस्ट्रॉल, नुकसान भी करता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए शरीर में, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल इससे बनता है और ये खराब फैट है, बैड फैट है, ये नहीं खानी चाहिए, जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम है सैचुरेटेड फैट नहीं खानी चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट खानी चाहिए, ये बढ़िया होता है। चल एक फैटी एसिड बहुत अच्छा माना गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश से निकलता है मैक्रा फिश से, और ये पुफा है, तुम देखना जो हार्ट वाले के पेशेंट जो होते हैं, कई लोग जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया माना गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत बढ़िया होता है फैटी एसिड, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है फैटी एसिड खाना चाहिए, और ये फैटी एसिड पुफा है बताइए ना, जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, पुफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये खाना चाहिए, और ये मैक्रल फिश से निकलता है, तो आप कहीं से लेके आओ या तो ये खाओ या फिर खा लो मैक्रल फिश, कहीं से ला वो खा लो या ये खा लो, हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत फायदा देता है। वैसे तो बादाम वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अच्छे फैटी एसिड होते हैं बादाम वगैरह में, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो अनसैचुरेटेड फैट खानी है, तो बादाम वगैरह भी खा सकते हो तुम, जो हार्ट की पेशेंट ये भी खाओ, ये जो मैक्रल फिश खाओ, तो फैट है एनर्जी देती है लेकिन ज्यादा तो हर चीज की नुकसान करती है, तो ये फैट नुकसान करती है। ठीक है बेटा, अब मैं फैट का टॉपिक लिया था, अब मैं वैक्स, वैक्स क्या होते हैं, अब टॉपिक लेंगे वैक्स का, तो भाई वैक्स को हिंदी में तो क्या बोले, वैक्स को मोम तो होता है, मोम भी वैक्स होता है, और भी चीज होती है वैक्स, वैक्स की डेफिनेशन क्या बनाए, वैक्स की डेफिनेशन क्या बनाए, फैट की फैटी एसिड ग्लिसरॉल, वैक्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को छोड़कर दूसरा एल्कोहल, वैक्स क्या होता है फैटी एसिड, एक तो फैटी एसिड दूसरा एल्कोहल, ग्लिसरॉल का एल्कोहल है, एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड से एल्कोहल जुड़ जाए, ग्लिसरॉल वाला एल्कोहल जुड़े तो फैट है, और दूसरा एल्कोहल जुड़े तो वैक्स है, ग्लिसरॉल एल्कोहल है ना बेटा, जिस भी मॉलिक्यूल को ओएच उसको एल्कोहल बोल देते हैं, तो एल्कोहल तीन तीन एल्कोहल थे ग्लिसरॉल में, तो एल्कोहल था नहीं, तो कोई ग्लिसरॉल के अलावा दूसरा एल्कोहल मिलेगा वैक्स के अंदर, जैसे मेरीफाइल एल्कोहल और फाइट आई एल्कोहल, ये एल्कोहल है बेटा, तुम बोलोगे हमने बहुत एल्कोहल सुने, ये एल्कोहल तो सुने ही नहीं है, ये भाई प्लांट के एल्कोहल है, तुमने तो एल्कोहल ये सुना है, मीथेन से और जुड़ जाए तो मीथेनॉल, इथेन से और जुड़ जाए इथेनॉल, प्रोपेन से और जुड़ जाए प्रोपेनॉल, ये सुने तुमने, लेकिन ये बायोलॉजी की बॉडी के एल्कोहल है, वो लैब वगैरह में मिलते हो सारे एल्कोहल, जिस कौन सा एल्कोहल जो वैक्स में मिलता है तो हम बोले मेरिसाइड या साइटाइड, चलो ये तो मिलेगा एल्कोहल और बिल्कुल फैटी एसिड मिलेगा, फैटी एसिड नॉर्मल मिलेगा, तो वैक्स क्या होता है फैटी एसिड एल्कोहल, ये मिलेगा ये मिलेगा एल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा, ये कौन मिलेगा, चलो भाई अब मैं वैक्स कौन कौन से वैक्स होते हैं वैक्स कराता हूं तुम्हारे को, वैक्स कहां कहां मिलता है हमारे शरीर को, वैक्स सुनो, कान कभी साफ करवाया है, नहीं करवाया, मार्केट में घूमते हो साफ करने वाले को, तो हमारे नालों में तो घूमते हैं, तो किसी दुकान में गंदगी इकट्ठी हो जाए तो किसी वो जो गंदगी साफ करवाने वाले के पास बैठना, वो यूं निकालेगा उसमें पता है क्या निकल जाएगा, मिट्टी के पार्टिकल होंगे और वैक्स निकल जाएगा,
तो चिकना चिकना वैक्स है, कान में वैक्स होता है, कान के अंदर, कान के वैक्स को क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। और इसका जो नाम है सीलोमेन, कान के अंदर वैक्स क्यों मिले, ईयर में जो वैक्स मिले उसको बोलेंगे ईयर वैक्स या सीलोमेन। तो बोलेंगे कान के अंदर कहां से आता है वैक्स, कान में से क्या वैक्स निकलेगा, कान के अंदर ग्लैंड होती है जो सीलोमेन बनाती है, ग्लैंड से क्या बोलते हैं, सीलोमिनस ग्लैंड, सीलोमिनस ग्लैंड ईयर वैक्स ईयर में मिलता है, और ग्लैंड होती है जो ईयर वैक्स को बनाती है, ग्लैंड का नाम है सीलोमिनस ग्लैंड, क्या बनाती है सीलोमेन बनाती है, ईयर वैक्स और सीलोमेन एक ही बात कर रहा है, इसको बनाने वाली ग्लैंड सीलोमिनस है। हम सब में तुम कान सफाई करवाने वाला क्या, तुम खुद हाथ देख के देख लेना कभी ऐसे ऐसे करके, यू देखना ऑयल सा निकलेगा, वो ईयर वैक्स है, वो सीरूमेन है, और ग्लैंड सीरूमिनस ग्लैंड है। चलो भाई एक वैक्स हो गया, दूसरा वैक्स देख, दूसरा वैक्स कहते हैं भाई पैराफिन वैक्स, लिखा हुआ है पैराफिन वैक्स, नीचे उतारो लिखना पड़ेगा, बट यहां लिख देता हूं मुझे पैराफिन वैक्स, ये पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से बनता है। अब मैंने तो भाई कहीं देखा नहीं है पेट्रोल वगैरह रिफाइन होते हुए जो है, और मेरा एक स्टूडेंट जरूर है वहां पे है, इसमें ओएनजीसी में साइंटिस्ट है जो, तो वो जरूर देखता होगा पेट्रोलियम का जो वैक्स है, पेट्रोलियम निकालते हैं तेल, निकालते हैं तेल को जो सी में से, तो उसके रिफाइनिंग करते साफ करते हैं, तो उसमें वैक्स बचा है, उसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं, पेट्रोलियम साफ करते तो ये वैक्स बनता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से पैराफिन वैक्स बनता है। और इस पैराफिन वैक्स से क्या बनती है पता है तुम्हारे को, पैराफिन वैक्स से क्या बनती है, कैंडल बनती है, लेकिन इसमें प्लस स्टेरिक एसिड मिलाते हैं, स्टेरिक एसिड याद है ना, सैचुरेटेड था 18 कार्बन वाला डिशीज, तो स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का डिशीज है, प्लस पेट्रोलियम पैराफिन वैक्स दोनों से कैंडल बनती है, मोमबत्ती जो होती है तुम जलाते हो दिवाली वगैरह गई है, मोमबत्ती खूब जलाई होगी आपने, कैंडल्स को बंद किया होगा काफी ज्यादा, तो कैंडल्स के अंदर मोमबत्ती जो बड़ी होती है उसको देखोगे केमिकली देखो उसमें स्टेरिक एसिड बहुत मिलेगा और वैक्स मिलेगा, वैक्स का मतलब यहां पर मोम हो गया, मोम भी वैक्स है, पैराफिन वैक्स क्या है मोम, चलो यानी हर वैक्स मोम नहीं होता, क्या कान में मोम निकलता है, कान का वैक्स तो एक वैक्स अलग, मोम भी एक वैक्स है, सारे वैक्स सारे मोम वैक्स नहीं होते, तो कैंडल वगैरह का जो मोम है वो वैक्स है, लेकिन वैक्स तो कान में भी निकलता है। चलो इसके अलावा और वैक्स कितने टाइप के होते हैं, लिपिड की टाइप है, फैट वैक्स और लिपिड है। चलो अब अगला हो गया बेटा, अब मैं लूंगा तीसरा वैक्स, बी वैक्स, बी वैक्स, ये बी से बनता है, सिंथेसाइज बाय ग्लैंड्स ऑफ बी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बी, हमें भी होती है ना मधुमक्खी जो होती है वो बढ़ाती है ये वैक्स, तुम बोलो कि ये वैक्स तो देखा तुमने कभी, ये बी वैक्स देखा कभी नहीं, भाई मैंने तो खूब देखा है बचपन में, पढ़ाई का माहौल तो अब आया, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर ही प्रेशर, पढ़ना है पढ़ना, हमारे टाइम में इतना प्रेशर नहीं था पढ़ने का, जो घूमते थे आराम से हम, तो भाई हम जब घूमते थे तो शहर वगैरह तोड़ लाते थे जो,
तो शहद कैसा होता है ये तो देखा होगा, छत्ता तो देखा होगा शहद का जो है, तो ऐसे होता है छत्ता शहद का जो है, ये सारा छत्ता जो है पूरा का पूरा छत्ता वैक्स किससे बनता है, ये पूरा का पूरा छत्ता जो है ये वैक्स का बना हुआ है, और जो वर्कर भी होती है काम तो उसी का है वर्कर का, वर्कर भी बनाती है ये वैक्स अपने ग्लैंड से निकाल निकाल के ऐसे बना छत्ता बना देती है, तो ये वैक्स का बना हुआ है, और इस वैक्स के अंदर ऊपर तो शहद भरा होता है, नीचे उनके बच्चे होते हैं मक्खियों के बच्चे होते हैं, नीचे मक्खियों के बच्चे होते हैं नीचे, और ऊपर क्या होता है नीचे मक्खियों के बच्चे ऊपर क्या होता है शहद भरा होता है, तुम ये खाते हो ये मत खा जाना, इस वैक्स को खा जाओ तो मक्खियों के कीड़े चले जाएंगे अंदर, बच्चे चले जाएंगे मक्खियों के, ऊपर वाला ऐसा खाते हो उसमें थोड़ा वैक्स भी खा लेते हो शहद भरा हुआ वो भी खाते हो, तो पूरा वैक्स का बना हुआ छत्ता होता है हाई बी हाइव, बी हाइव, हाइव का मतलब छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते क्या बोलते हाइव, तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो जिस वैक्स से बने उस वैक्स को बी वैक्स बोलते हैं, ये बी नहीं बनाती मधुमक्खी बनाती है वैक्स जो है, चलो ये एब्डोमिनल ग्लैंड है पेट में ग्लैंड है वर्कर बी के, हाँ जी भी सुना होगा कई टाइप की बी होती है, वर्कर मेल क्वीन ये होते ना हनी बी के अंदर, तो जो वर्कर होती है वो क्या बनाती है सिर ये बी वैक्स बनाती है, और उससे फिर शहद इकट्ठा करके डाल देती है फूलों में पड़ जाएगा नेक्टर इकट्ठा करेगी, और नेक्टर में थूक मिल जाएगी क्या बन जाता है नेक्टर में थूक मिल जाएगा सलाइवा मिलने के बाद शहद बन जाता है, और नेक्टर इसमें डाल देगी शहद डाल देगी जो हनी बी है वो, चलो भाई बी वैक्स भी हो गया और कौन कौन से वैक्स हो गए बी हो गया और हमारा स्किन का हो गया, चलो लैनोलिन और वूल वैक्स ये सीप वगैरह में मिलता है, सिर्फ भेड़े जो होती है उसकी ऊन में भी वैक्स होता है उसको लैनोलिन वैक्स होते हैं या वूल वैक्स होते हैं, ठीक है अच्छा सपना से भी ये दुनिया का हार्डेस्ट वैक्स होता है, हार्डेस्ट वैक्स ये वेल से बनता है, दुनिया का सबसे हार्ड वैक्स होता है सपना सेटी वैक्स, हार्डेस्ट वैक्स वेल से बनता है, वेल को मारा जाता है इस वैक्स के लिए जो काफी कीमती वैक्स है, ये भी वैक्स है, और वैक्स कितने टाइप के होते हैं इनके अलावा, तो ये वैक्स की जो है एक वैक्स होता है वैक्स डी, ये बैक्टीरिया से बनता है माइकोबैक्टीरियम लैबरी, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस नीचे ज्यादा नीचे लिख दिया नहीं है ज्यादा नीचे लिख दिया बड़ा ऊपर लिख दिया है यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों देखो रूम जब मैं वीडियो बन रहा नहीं बन रहा ठीक बन रहा वीडियो तो जो है, तो क्या काम है टीबी करता है बैक्टीरिया, ये लेप्रसी करता है बैक्टीरिया, लेप्रसी समझ गए, टीबी तो बड़ी छोटी होगी आजकल तो नाम मिलती थी टीबी आजकल का नाम मिलती पुराने टाइम में मिलती थी जो आजकल तो वैक्सीन लगवा लेते सभी जो टीबी की जो बीसीजी वैक्सीन, तो टीबी नहीं होती आज जो पुराने टाइम में हमने देखा था हमारे जो है चाचा था वो में दूर दूर के चाचा था वो एक टीबी थी जो पूरे दिन खांसता था और कई साल तक हम देखा टीबी दूर बोलो, तो वो टीबी फिर एक्सपायर भी हो गई 10-15 साल बाद, आज टीबी भी बहुत एडवांसमेंट आ गई वैक्सीन आ गई दुनिया से टीबी लगभग गायब हो गई, तो ये टीबी जो है किससे होती है
बैक्टीरिया से होती है रे फंजाई से होती है। माइक्रोबायल जहां आ जाए उसको मतलब फंजाई, माइक्रोबायल फंगस, फंगस स्टडी माइक्रोलॉजी बोलते हो, माइक्रोलॉजी फंगस स्टडी बोलते हो तुम। तो ये बैक्टीरिया है, टिपिकल बैक्टीरिया उसके नाम में भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें भी माइक्रोबैक्टीरियम लैप्स सुना नाम, ये भी पहले में चार नाम मिलती है, इसको इतनी बोलते कोड कुष्ठ रोग, पूरी स्किन खराब हो जाती है, स्किन से सेंसेशन खत्म हो जाता है, अगर स्किन में तुम ऐसे कैसे करोगे ना पता ही नहीं लगता किसी टच किया, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं लेप्रसी, लेप्रसी को कोड या कुष्ठ रोग होता स्किन का रोग, और टीबी दोनों बैक्टीरिया है, लेप्रसी भी और टीबी भी दोनों ही आज नहीं मिलती है, पहले मिला पुराने टाइम मूवी देखी मैंने, तो एक मूवी देखी था बच्चे उसकी माँ के देश प्रेमी मूवी थी, उसकी माँ को लेप्रसी या कोड होती है, वो बोलती है मेरे टच ना करो अपने बेटे को, मेरे को टच ना करो दूर रहती हो, तो टीबी और लेप्रसी दो दो डिजीज है जो रे फंजाई एक्टिनोमाइसिटिस से होती है, तो इसलिए इनके नाम माइक्रोवर्ड है, लेकिन ये शरीर में जाकर वैक्स डी रिलीज करते हैं इससे बीमारी होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लेप्रसी बीमारी कैसे करते बॉडी में, शरीर में अंदर जाकर वैक्स डी छोड़ देते हैं, शरीर में अंदर जाकर वैक्स डी छोड़ देते हैं, और वैक्स डी की वजह से बीमारी होती है, वैक्स डी की वजह से बीमारी होती है, तो वैक्स पैथोजेनिसिटी भी इसकी वजह से हो सकती है। क्या बोलते इसको भी वर्ड इससे क्या होती है, यानी कि पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी अगर इन बैक्टीरिया के अंदर ये रे बन जाएगी, इन रे बन जाएगी अंदर तो ये वैक्स डी ना बने तो हमारे को कुछ ना कर पाइए, इनके पास वैक्स डी होता है जिसकी वजह से हमारे बीमारी होती है, बीमार हो जाते हैं हम लोग वैक्स डी की वजह से, तो वैक्स बताइए ठीक है। चलो और अगला टॉपिक वैक्स तो हो गया, अब मैं बताता हूं फॉस्फोलिपिड के बारे में ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना क्या है, फॉस्फोलिपिड, डाइग्लिसराइड हो सकती है और ये ट्राइग्लिसराइड हो सकती है,
फैट का ही दूसरा नाम ग्लिसराइड है। फैट यानी घी और तेल को ग्लिसराइड बोल सकते हो। अगर एक फैटी एसिड जुड़ जाए घी सोल के साथ फैट में, एक ही फैटी एसिड हो तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड। क्या तुम लोगों को पता है फॉस्फोलिपिड में कितने फैटी एसिड होते हैं? दो, वन टू। इसका मतलब नॉर्मल फैट से फॉस्फोलिपिड बनते हैं, दो ये ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, तीसरा मैंने जोड़ा नहीं एस्ट्रोनोड। तीसरी चीज क्या है जिसकी वजह से इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं? तीसरी चीज का नाम बताया गया है फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज, और यहां पे है CH2 और नाइट्रोजन CH3 ऊपर दिखेगा कि भाई ऊपर बनाना पड़ेगा, यहां पर कुछ दिखाया CH3 शायद दिख जाएगा मेरे ख्याल से ना, दिख जाए। तुम बोले कि क्या बना दे ये फैटी से जोड़ के समझ में आ गए, ये क्या बना दिया? इसके साथ इस लिपिड में फॉस्फेट है, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है? लिपिड है उसमें फॉस्फेट जुड़ जाए तो फॉस्फेट बोलते, ये क्या बना दिया? ये क्या है? ये एक केमिकल है, इसका नाम बताओ क्या है? कोलाइन। नाम तो इसका सुना होगा तुम लोगों ने, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें एसिटाइल जुड़ता होगा। ये कोलाइन एक बेस नाम की चीज होती है। तुम बोलोगे नाइट्रोजन तीन बॉन्ड का होगा, इसमें आपने चौथा बॉन्ड बना दिया, प्लस चार होता है इसके ऊपर, प्लस चार होता है। तो तुम बोलोगे कि नाइट्रोजन से तीन CH3 नीचे है और एक इथेन और जुड़ी है CH2, इधर इथेन इधर प्रोपेन, तीन CH3 प्रोपेन तो नहीं बोलेंगे, प्रोपेन जब आप जुड़े तब बोलते हो। नाइट्रोजन से तीन CH3 जुड़ गए और दो CH2 जुड़ गए, पांच मोलिक्यूल्स इसके नाइट्रोजन से जुड़े हुए, डायरेक्ट तो चार ही जुड़े, मैं सिर्फ पांच हूं, इसका नाम कोलाइन है। तो उसका मतलब फैट में फॉस्फोरस भी मिलता है, हमने सुना फैट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, लिपिड में नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी मिलता है, लिपिड के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो प्रोटीन में सुना होगा, फॉस्फोलिपिड में मिलता है नाइट्रोजन। चलो एक बार और आता है, मैं यही हूं इन टॉपिक के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिफरेंस क्या है। ये दो टेल है,
इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, ये पोलर नहीं, इसमें चार्ज नहीं होता, फैटी एसिड भी चेंज होती है, जुड़ने के बाद चार्ज नहीं होता। नॉर्मली तो फैटी एसिड पे चार्ज बोल देते हैं, जो कई बार फैटी एसिड जो उसमें सीओएच होता है उसमें चार्ज होता है, चार्ज बोल देते हैं, लेकिन फॉस्फेट के साथ सीओएच पे जुड़ गया तो हम बोलेंगे टेल है, इन पर चार्ज नहीं है, जिनको नॉन पोलर बोलेंगे, पोलर नहीं, पोलर में चार्ज होता है, जिस पर चार्ज हो प्लस प्लस और माइनस, थोड़ा प्लस हो थोड़ा नेगेटिव, पूरा प्लस पूरा माइनस करोगे तो आयन बन जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव करोगे तो पोलर बन जाएगा। तो पोलर जो है फॉस्फोलिपिड क्या है, इसमें पोलर है नॉन पोलर टेल, पोलर है नॉन पोलर टेल है फॉस्फोलिपिड के अंदर, तो वो पोलर है किससे बना, फॉस्फेट और कोलाइन से बना पोलर है, और ये टेल किससे बनी है, ये फैटी एसिड की टेल है। तो यू बोल सकते हो, मैंने बताया नहीं था, याद हो जो पोलर चीज हो पानी की तरफ जाती है, क्या बोलते हैं जो चीज पोलर होते पानी की तरफ जाए तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इतना हिस्सा पानी की तरफ जाता है, इसका चार्ज है, इसलिए पानी में चार्ज होता है, ये भी चार्ज है, पोलर में पोलर चीज डिजोल होती है, जो वाटर में पोलर है ये भी पोलर है, तो पोलर हेड जो है पानी की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, जिसको बोला हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्शन। अच्छा टेल नॉन पोलर है, इसे क्या बोलोगे, नॉन पोलर टेल क्या बोलोगे, जाओ उल्टा बोलो हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रोफोबिक ये पानी से दूर भागेगी, हाइड्रोफोबिक टेल हेड है हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड टेल है हाइड्रोफोबिक, हिलती रहती है, इसलिए मैंने डायग्राम में यूज करके दिखाया है, ऐसी होती है सेल मेंब्रेन, सेल मेंब्रेन समझ गए ना, ये सेल है इसमें सेल मेंब्रेन ऐसी होती है, और इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो ऐसा होता है, और ये एटम है, अरे शरीर एटम का बना हुआ है, ये एटम है हमारी बॉडी के अंदर सारे, ये सारे एटम है और ये मॉलिक्यूल्स, शरीर एटम मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो ऐसा ये जो हमारे सेल मेंब्रेन ये है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, ये स्ट्रक्चर नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं आएगी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी